बेटा है तो घर के बाहर के काम करेगा और बेटी है तो वो घर में रहकर रसोई संभालेगी। बेटे को दुकान से बाहर जाकर कोई सामान खरीद कर लाने के लिए कहना और बेटी को घर पर सबके खाना खाने के लिए परोसने के लिए कहना। दस्तावेजों वाले काम के लिए बेटे से कहना, बेटे की मदद लेना। देखने सुनने को तो ये छोटी मोटी बातें लगती है, लेकिन ये सब बातें बहुत ही बड़े भेदभाव को जन्म देती आई है। अपने हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन दोनों को ही सीखने और बढ़ने के लिए समान अवसर देने की ज़रूरत है। ये जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो उसे गुड़िया दी जाती है, किचन सेट दिया जाता है, खेल खिलौने दिए जाते हैं, और वहीं लड़कों को कोई गिफ्ट देना हो तो उन्हें आउटडोर गेम्स दिए जाते हैं, कार दिए जाते हैं, बैट दिया जाता है। और हम और आप हमेशा से ही बचपन से ही तय कर लेते हैं कि लड़के के लिए ब्लू कलर के कपड़े या ब्लू कलर का सामान लेना है और लड़की के लिए पिंक कलर का। इस सोच से ऊपर उठकर हर बच्चे के सामने विकल्प रखना और उन्हें उन्हें पसंद के मुताबिक ही चयन करने के अधिकार को ही जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग है। लैंगिक आधार पर परवरिश होने वाले भेदभाव की वजह से ही सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं वित्तीय निर्णय लेने में असमर्थ होती हैं, कमजोर होती हैं। जैसे अपने बल पर गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, कोई भी नया सामान या बड़ी कीमती चीज लेना, इस वजह से महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाती। हर बात में वो पुरुषों से सलाह और उनका साथ चाहती हैं, तभी आगे बढ़ती हैं। ऐसे में वो खुद को कमतर समझने लगती हैं और आगे बढ़ने में या कोई बड़ा फैसला लेने में हिचकती हैं। ऐसे ही लैंगिक के आधार पर भेदभाव भरी परवरिश होती है, जिससे पुरुषों को भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, परेशानी के समय दूसरों से मदद लेने, इन सब बातों में झिझक सी होती है। उनमें जरूरत से ज्यादा अहंकारी होने जैसी दिक्कतें पनप जाती हैं। इसी वजह से पुरुषों में ज्यादा क्रोध और नशे की प्रवृत्ति बनने लगती है। आज के समाज में लैंगिक आधार पर समान परवरिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने दोनों बच्चों को सिखाएं, वो लड़का हो या लड़की, दोनों को सिखाएं एक जैसे ही काम। एक स्वस्थ समाज के लिए जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे समाज में हम अपनी ही स्वार्थ पूर्ति के लिए ही बच्चों को जन्म देते हैं। सोचते हैं कि लड़का होगा तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा और लड़की होगी तो शादी के बाद विदा हो जाएगी, लेकिन फिर भी शादी के बाद भी वो हमारे पास आकर रुक सकती है, हमारा ख्याल रख सकती है। इस तरह जन्म से पहले ही हम अपने बच्चों को एक दायरे में बांध देते हैं और यही भेदभाव उन्हें एक मर्द और एक औरत बना देता है। इसी सोच के चलते एक लड़की अपना पूरा जीवन एक पुरुष के सहारे जीने को मजबूर हो जाती है, वही लड़का भी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबता चला जाता है। और दोनों ही, लड़का हो या लड़की, ये दोनों ही स्वाभाविक जीवन जिंदगी भर नहीं जी पाते। जबकि होना ये चाहिए कि हम बच्चे की परवरिश बच्चे की तरह ही करें, खिलौनों से लेकर उनके साथ उनके बातचीत वाले शब्दों पर भी बचपन से ध्यान दें। लड़का और लड़की दोनों खाना खाना चाहते हैं, इसलिए दोनों को ही रसोई घर का काम जरूर सिखाएं। और अगर यदि बच्चों को ऐसी कविताएं सिखाई जा रही हैं जहां एक लिंग के साथ कोई विशेष काम जोड़ा जा रहा है, तो कृपया करके उसका विरोध जरूर करें। ये जीवन छोटा सा है, इस जीवन को स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बिल्कुल आसान बनाएं। ये दोनों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको लगता है कि पितृसत्तात्मकता ने केवल महिलाओं के साथ ही बुरा किया है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। पितृसत्ता की वजह से लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा गया, नौकरी से वंचित रखा गया, वहीं पुरुषों के ऊपर जबरन कठोरता लादी गई, उन्हें अपने मनोभाव व्यक्त करने से रोका गया, उन्हें रोने नहीं दिया गया। हमेशा ये कहा गया कि मर्द को दर्द नहीं होता और औरतें या लड़कियां तो हमेशा रोती ही रहती हैं। इस बात को सच मान बैठे पुरुष अपनी कोमल भावनाओं को अंदर ही अंदर कुचल देते हैं। यदि पेरेंट्स जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग अपनाएं, तो लड़कियां भी पढ़ सकेंगी, जॉब कर सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी, अपनी जिंदगी जी सकेंगी, और लड़के भी अपने मनोभावों को व्यक्त करने में हिचकिचाएंगे नहीं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आगे इसी वीडियोज़ और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।